हाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो Z4 सैमसंग के लिए है, जिसमें हम ये देखेंगे नया कॉम्बो जो है उसमें टच काम करता है, टच काम करेगा, फर्स्ट क्लास करता है। और जो है टच जो है नया टच जो है काम नहीं करता है। जैसे कि आप देखें अभी नया कॉम्बो में जो है टच फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, लेकिन यही जब हमने चेक किया नया टच जो है उसमें एलसीडी के साथ, जैसे ये हमारे पास एलसीडी है, इसमें नया टच जो है काम नहीं कर रहा था। टच का सप्लाई भी सही है, लेकिन फिर हमने देखा आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो है ये नया टच जो है नहीं काम कर रहा है। अभी हम चेक करके दिखाएंगे, बिल्कुल ये जो है कि टच नहीं काम कर रहा। फिर हमने इसका सप्लाई जो है मेजर किया, सप्लाई भी ओके है, लेकिन फिर भी काम नहीं कर रहा। इसके बाद हमने जो है जो एलसीडी है, फिर हमने एलसीडी का वेट चेक किया। तो फ्रेंड्स, इसका रीज़न ये है कि जो कॉम्बो का एलसीडी है, ये वाला जो एलसीडी है, इसका सप्लाई और इस एलसीडी का सप्लाई टच का फेर बदल है। मीन्स जो टच का एक नंबर सप्लाई है, इसमें जो है कुछ और है, और ये वाले एलसीडी में यही टच का सप्लाई जो है कुछ और है। यानी कि जो हमारा टच है जो इस एलसीडी के साथ वर्क नहीं कर रहा, वो ये कॉम्बो का वर्जन का है, जिस जो ये नए कॉम्बो में जो है कि जैसे ये अभी देख रहे हैं, ये टच का सप्लाई जो है अलग है, इस कॉम्बो में अलग है। यानी कि जो हमारा एलसीडी का जो सप्लाई है वो अलग है, और ये जो टच है इस कॉम्बो के टच के वर्जन का, और एलसीडी जो है अलग वर्जन का है, और कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि टच ख़राब है, टच सही है, लेकिन एलसीडी कई वर्जन का आते हैं जिसके वजह से जो है ये दिक्कत आता है। अगर यही टच कोई और एलसीडी जो है इस फोल्डर का जो नया कॉम्बो है इसके वर्जन का मिल जाएगा, तो ये टच उस पर काम करेगा। फिर हमने किया क्या, लॉकडाउन में अगर आपके पास मटेरियल नहीं हो या किसी कारणवश अगर इस वर्जन का एलसीडी अलग वर्जन का हो और टच जो है अलग वर्जन का आ गया और काम नहीं कर रहा, तो फ्रेंड्स इसके लिए अब हमने सोचा वीडियो बना दें जो है कि अब हमको करना क्या है। तो इस कॉम्बो का जो टच का वेज है इसको हम मेजर करेंगे इस एलसीडी के वेज के साथ, बिल्कुल अलग है। उसके बाद उसको जो है हम चेक करके यहाँ से कट करके जो है टच के जो कनेक्टर है वहाँ पे जो है ब्लेड से कट करके उसका सप्लाई डिसकनेक्ट कर देंगे, और फिर उसके बाद इस नए वाले जो कॉम्बो है हमारा इसके वेज के अनुसार वहाँ जम्पर मिला देंगे, वहाँ से टच के कनेक्टर में हेर फेर करके, जो इसमें ये नए वाले में जो सप्लाई है यही सप्लाई वहाँ हमको जो है जम्पर के थ्रू हेर फेर करके और एलसीडी कनेक्टर में हम ठीक करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने देखा कि हमारा टच वर्क करने लगा। तो आप देखेंगे अभी जैसे हमने ब्लेड से इसका सप्लाई डिसकनेक्ट कर दिया वहाँ कनेक्टर के पास, एलसीडी कनेक्टर के पास, और उसके बाद यहीं से जो है एलसीडी कनेक्टर के पास से ही छोटे छोटे जम्पर के थ्रू हम लोग जो है उसको, जैसे अभी हमने ये डिसकनेक्ट किया, और उसके बाद हम इसका सप्लाई नए वाले टच कॉम्बोस का सप्लाई मेज़र करेंगे, और उसके बाद उस पिन को काउंट करके उसका सप्लाई जो है वहाँ पे हमको चेंज कर देना है बस। यानी यूँ समझे कि हमको जो है नए वाले कॉम्बो का जो एलसीडी का टच का सप्लाई है वही इस ये जिसमें काम नहीं कर रहा है ये दूसरे एलसीडी में हमको सेम कर देना है, और चाहे आप जैसे करो, लेकिन हमको लगा इस पे वीडियो बना दिया जाए क्योंकि
क्योंकि ये अभी कभी सामान ना उपलब्ध हो, अवेलेबल ना हो, और आपके पास रहते हुए भी आदमी काम नहीं कर पाता है, तो एज अ टेक्नीशियन आदमी को कस्टमर का डिमांड है तो थोड़ा टाइम भी लगे, लेकिन अगर उसको समय पे मिल जाए, अगर सामान अवेलेबिलिटी नहीं है, तो फिर हम इस तरह से काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कोशिश करना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। तो इस तरह से अगर आपके पास भी बहुत सारे टच पड़े हों, नया टच, तो आप उसका सप्लाई मेज़र कर लें। अगर टच का सप्लाई सही है और वर्क नहीं कर रहा है, तो एक बार जिस एलसीडी में आप टच लगा रहे हैं, उस एलसीडी का सप्लाई नए कॉम्बो से, या जो कॉम्बो या जो एलसीडी पे वो वर्क कर रहा है टच, उसके अनुसार करके आप अपना जो भी नए टच को आप स्क्रिप्ट समझे हो या फिर पड़ा हुआ आपके पास, आप उसको काम में ला सकते हो। सैमसंग का जो भी हो ब्रांड, सब में लगभग लगभग J7 नेक्स्ट या जो भी आता है आपका, उसमें जो भी प्रॉब्लम इशू आता है, तो ये ना समझे कि टच ख़राब है। अगर टच का सप्लाई सही है, तो आप यूँ समझे कि उसका टच का वेज जो है सेम नहीं है, इसलिए वर्क नहीं कर रहा है। और कुछ तो डैमेज होते हैं जिसके वजह से नहीं वर्क करते हैं, वो अलग का चीज़ है, लेकिन मैक्सिमम में जो है सप्लाई का दिक्कत आ रहा है, खास करके J4 में। और इस तरह से हमने किया, तो आप देख सकते हैं हमने मेजर कर कर के जो है इस नए कॉम्बो के सप्लाई को नाप के, ये इस एलसीडी में, दूसरे एलसीडी में हमने जो है कैसे इसमें काउंट कर कर के जो है कि इसमें उसके अनुसार वेज को हम जम्पर के थ्रू सही कर रहे हैं, इस कॉम्बो के अनुसार बना रहे हैं। फिर देखते हैं हमारा टच जो है काम करता है या नहीं करता, फिर आप देखेंगे। फ्रेंड्स, बिल्कुल इसमें घबराना नहीं है। आप ये वाले एलसीडी, नए वाले कॉम्बो का एलसीडी का कनेक्टर का वेज, टच वेज को काउंट कर लें, फिर आप देखें टच का कनेक्टर का सप्लाई कितना नंबर पे, एलसीडी में कितना नंबर पे है। इस तरह से जैसे आप देख सकते हैं, हम इस पे नोट भी कर रहे हैं ताकि मिस ना हो। तो इस तरह से काउंट करके एलसीडी कनेक्टर का और टच कनेक्टर का सप्लाई काउंट कर कर के हमने मिलाया, सेम मिलाया। आप देख रहे हैं बिल्कुल लीक लीक भी दे रहे हैं, और उसके अनुसार जो है जम्पर के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहे हैं टच कनेक्टर में। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल आप देखें, ये हमारा टच वेज जो है नए वाले कॉम्बो में था, 10 नंबर एलसीडी का टच जो है टच में 2 नंबर पे था, जबकि इसमें कुछ और था, हमने उसको सही किया। फिर 3 नंबर इसका कनेक्टर, टच कनेक्टर का 6 नंबर पे था, इस तरह से हमने इसको सही कर दिया। इसका जम्पर जो है करके कनेक्टर को, टच कनेक्टर का जो है यहाँ पे कट करके डिसकनेक्ट किया हमने, फिर जम्पर के थ्रू जो है उसको सही से मेजर करके और उसको नए वाले कॉम्बो के सप्लाई के अनुसार मैंने यहाँ पे जम्पर कर दिया है। जम्पर करने के बाद फ्रेंड्स, वहाँ पेस्ट डाल लें ताकि वो स्ट्रॉन्ग रहे और शॉर्ट वगैरह ना करे। पेस्ट T7000 जो गम होता है हमारा, उसके थ्रू उसको उस पर गम गिरा दें, ताकि जम्पर भी मजबूत हो जाएगा, लाइफ भी बरकरार रहेगा और शॉर्ट वगैरह भी नहीं करेगा, स्ट्रॉन्ग भी रहेगा, ताकि कस्टमर का क्लेम नहीं आएगा। तो इस तरह से फ्रेंड, हमने तो इसका जम्पर कर दिया, अब इसको देख लेते हैं लाइव। आप भी देखेंगे बिल्कुल कैसे वर्क कर रहा है कि नहीं, हमारा मेहनत कहाँ तक का सक्सेस हुआ। तो ये वही टच है जो पहले काम नहीं कर रहा था, और जब हमने नए वाले
कॉम्बो के सप्लाई के अनुसार इसका जम्पर कट करके जो है डिसकनेक्ट करके फिर उसका जम्पर किया हमने नए वाले कॉम्बो का सप्लाई के अनुसार। अभी हम देखते हैं ये हमारा इस एलसीडी के साथ वर्क कर रहा है कि नहीं। जैसे हमने पहले पहले मैंने दो तीन टच ऑलरेडी हमने ऐसे रिपेयर करके ठीक कर चुके हैं हम, तो मुझे लगा इसका वीडियो बनाना चाहिए। तो आप देखेंगे ये हमारा सेट खुल रहा है, ये खुल गया सेट हमारा ऑन हो चुका है। अभी आप देखेंगे ये वही टच है जो काम नहीं कर रहा था, अभी ये काम कर रहा है बिल्कुल। मैंने किया क्या, केवल सप्लाई नए वाले कॉम्बो के अनुसार कर दिया इस एलसीडी का, वही टच हमारा काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से अगर आपके पास है तो आप भी अपने टच का जो है एलसीडी का सप्लाई किसी वर्किंग एलसीडी के साथ मेज़र करके चेंज करके टच को काम करा सकते हैं। फ्रेंड्स हमारे मेहनत को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। कमेंट करें अगर कोई भी डाउट हो, सजेस्ट भी करें ताकि हम और भी वीडियो बना पाएँ, या कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करें, प्लीज़ कमेंट करें, हमें खुशी होगी आपका कमेंट पढ़ के। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करें ताकि और भी हमारे जो टेक्नीशियन भाई हैं जो जिनको समझ में नहीं आता है या जो नए नए हैं उनको हेल्प मिल सके, या और भी जो भी हमारे टेक्नीशियन भाई हैं जिनका बहुत सारा टच जो है स्क्रैप्ट पड़ा होगा नहीं काम करने की वजह से, इस तरह से आपको हेल्प कर मिलेगा। जैसे हमने पेस्टिंग किया फ्रेंड्स, T7000 गम से हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पे डाल के उसको,